हेलो स्टूडेंट्स माय नेम इज़ भगवत सिंह और आज अपन डिस्कस करेंगे मिड सेसन थर्ड का जी मेंस का पेपर ओके सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है ए मेटल रोड ऑफ लेंथ टू मीटर इज क्लेम्ड इट्स मिड पॉइंट द रॉड इज सेट इनटू द लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन एंड इमिट ए फंडामेंटल नोट ऑफ एट हंड्रेड इफ डेंसिटी ऑफ द मेटेरियल ऑफ द रॉड इज सिक्स इंटू टी थ्री द यंग मॉडलर्स ऑफ द मेटेरियल विल बी ये क्वेश्चन अपन यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं इसी पैनल पर तो गो आपको एक रॉड दे रखी है जिसकी जो लेंथ है दैट इज गिवन वो है टू मीटर और इसको यहां से फिक्स करके कर रखा हुआ है यहां से फिक्स कर रखा है तो डेफिनेटली यहां पर जो है पार्टिकल वाइब्रेट नहीं कर पाएंगे यहां बन जाएगा नोड ठीक है नाउ अभी इसके अंदर यदि फंडामेंटल नोड है तो यदि पार्टिकल के वाइब्रेशन को मैं ड्रॉ करूं मैं ड्रॉ कर रहा हूँ पार्टिकल के वाइब्रेशन को तो पार्टिकल का वाइब्रेशन इस टाइप से रहेगा ठीक है थेके? तो इसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा ये लेमडा बाई टू इजक्ल टू एल यहां से मेरे पास आ गया लेमडा इजक्वल टू टू एल नाउ आपको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी गिवन है दैट इज इन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला है वी बाई लैमडा वी के लिए मैं यहां पर इसको सब करता हूं आगे 800 तो इसका आपको दे रखा है फंडामेंटल ठीक है इक्वल टू वन अपॉन लेमडा लैमडा की जगह मैं यूज करूंगा टू एल एंड जब कोई सॉलिड रोड हो तो उसके अंदर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ंग मॉडल इन टू डेंसिटी नाउ डेंसिटी आपको गिवन है वेल्यू पुट करो जब आप इसकी वेलू पुट करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा सेकेंड ओके सेकेंड क्वेश्चन ये भी वेब का ही है ये ट्रिनिंग फॉर गिव फाइव बीट विदिफ्टी सेंटीमीटर लॉन्ग सोलोमीटर वायर देखो आपके पास एक ट्यूनिंग फॉर्क है लेट रिस्क की फ्रीक्वेंसी है एप नॉट ठीक है लेंथ ऑफ द वायर इज सॉरी ट्यूनिंग फॉर्क फॉर बीट विदिफ्टी सेंटीमीटर अपने पास एक सोलोमीटर वायर है जिसकी लेंथ दे रहेगी फिफ्टी सेंटीमीटर तो लेट रिस्क की जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वो रहेगी v डिवाइड 2 l l इज 50 सेंटीमीटर सो दैट इज 50 ये अपन को पता है बेसिक फॉर्मूला है ये वाला फॉर्मूला हो गया ठीक है अब बेसिकली बोलना चाह रहा है कि इस f1 और इसके अंदर डिफरेंस जो है वो 4 का है बिकॉज़ व्हाट इज गिवन कि जो बिट फ्रीक्वेंसी है वो है 4 4 बिट गिवन है तो इसको मैं f0 मानूं तो इसके साथ कोई यदि फोर का डिफरेंस क्रिएट कर रहा है तो इट मे बी एफ नॉट प्लस फोर और एफ नॉट माइनस फोर मतलब ये जो फ्रिक्वेंसी जो एफ वन है वो ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है दोनों पॉसिबिलिटी अपने दोनों लो ली एक बार के लिए ठीक है नाउ इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज शॉर्टन बाय वन अब आपने जो वायर है उसकी लेंथ को कम किया है ध्यान से सुनना लेंथ जो है एल जो है द डिक्रीजेस सो डेफिनेटली एफ वन विल इंक्रीज और जो एफ वन डिक्रीज होकर आएगा वो आएगा एफ वन डैश एक बार लिख लेता हूं दैट इज वी डिवाइड बाय टू इंटू फोर्टी नाइन ठीक है मतलब एफ वन इंक्रीज एंड स्टिल बिट्स रिमेन सेम अब देखो इस फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज करना है एंड डिफरेंस अभी भी फोर रखना है अब यदि ध्यान से देखो लेट में एज्यूम कर लेता हूं कि सपोज ये फ्रीक्वेंसी थी पहले ठीक है दैट इज एफ वन ये कौन सी फ्रीक्वेंसी मैंने लिखी है दैट इज योर एफ वन ठीक है सो लेट में एज्यूम कर लेता हूं कि ये फ्रीक्वेंसी है और अभी इंक्रीज होगी तो इंक्रीज होगी तो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या होगी एफ नॉट प्लस फाइव आगे देखूंगा अगर क्या होगी एफ नॉट प्लस सिक्स इन सिमिलर वे तो क्या कभी इसका और इस जो नई फ्रीक्वेंसी आ रही है इसका डिफरेंस कभी भी फोर हो सकता है नहीं बिकॉज देखो इसका और इसका डिफरेंस हो हो रहा रहा इसका इसका और सो so, कभी भी पॉसिबल नहीं है अब देखते हैं कि इसका क्या होगा यदि मैं इसको एज्यूम करूं तो देखो इसको एज्यूम करोगे तो नेक्स्ट क्या रहेगा एप नॉट माइनस फोर प्लस वन तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं बिकॉज आप आई टी का स्टूडेंट है तो माइनस थ्री अगली आएगी एप नॉट माइनस टू ऐसा करके एक आएगा एफ नॉट फिर अगला आ जाएगा एफ नॉट प्लस वन एंड नेक्स्ट एफ नॉट प्लस फोर इसका मतलब क्या है कि वापस यहाँ डिफरेंस फोर आ रहा है सो बेसिकली एफ नॉट फोर है वो मेरे पास है एफ वन पहले वाला सो इज ये है अपने पास एफ नॉट प्लस फोर ठीक है और जो दूसरी फ्रिक्वेंसी है जो अभी हमने लिखी थी मैं वापस लिख लेता हूँ एफ वन डेस वो आएगा v डिवाइड बाई टू इंटू दैट नाइन इक्वल टू एफ नॉट माइनस फोर सॉरी उल्टा लिख दे मैंने तो बेसिकली एफ नॉट माइनस फोर है वो तो है वी डिवाइड बाय टू इंटू फिफ्टी और एप नॉट प्लस जो फोर है दैट इज वी डिवाइड बाय टू इंटू फोर्टी नाइन अब इन दोनों को आप डिवाइड कर दो तो अपने पास एप नॉट माइनस फोर डिवाइड बाय एप नॉट प्लस फोर इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा फोर्टी नाइन इंटू फिफ्टी सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 396, ओके नेक्स्ट नेक्स्ट अगेन इसी का है बीट का ही है ट्रेन मूव टुवर्ड्स द स्टेशनरी ऑब्जर्वर विद द स्पीड 34 मीटर पर सेकेंड ट्रेन साउंड इज रिजल्ट एंड इट फ्रीक्वेंसी रजिस्टर्ड बाय द ऑब्जर्वर इज एफ वन इफ द ट्रेन स्पीड इज रिड्यूस टू सेवनटीन द फ्रिक्वेंसी रजिस्टर्ड इज एफ स्पीड ऑफ द साउंड इज थ्री फोर्टी अब देखो क्या देखेगा ए ट्रेन मूव टूवर्ड्स दी ऑब्जर्वर तो ये ट्रेन है ये एक्चुअली सोर्स है और ये ऑब्जर्वर है नाउ इस ट्रेन की जो स्पीड है वो अब वो गिवन है दर्टी फोर मीटर पर सेकेंड सो इसको जो फ्रिक्वेंसी ऑब्जर्व होगी एफ वन वो कितना रहेगा देखो सोर्स पास में आ रहा है तो वेलोसिटी ऑफ साउंड है थ्री फोर्टी वो आपको गिवन है डिवाइड बाय थ्री फोर्टी जब सोर्स पार्ट्स में आता है तो माइनस यहां पर थर्टी फोर इन टू ये जो भी इमिट कर रहा है ठीक है ये आपको दे रहेगा एफ वन अब आपको बोला है कि इफ द ट्रेन स्पीड रेड्यूस टू सेवेंटी अब इसको 70 दी रिड्यूस कर देते हैं मतलब जो नई फ्रिक्वेंसी आएगी f2 टू वो है इसका एफ नॉट जो भी वो इमिट कर रहा है वो दैट इज़ थ्री फोर्टी डिवाइड बाई थ्री फोरटी माइनस सेवनटीन इंटू आपको पूछा है वाट इज़ द रेशियो ऑफ एफ वन डिवाइड बाई एफ टू तो होप फुली आप आराम से कर लोगे एफ वन डिवाइड बाई एफ टू जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा उन्नीस उनिसबे एटीन, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्थ नो क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है क्वेश्चन नंबर फोर्थ है ए वेव पल्स ऑन द स्ट्रिंग हैज द डाइमेंशंस सोन इन फिगर आपके पास डाइमेंशन दे रखा है इसके अंदर तो कोई दे रखा है डाइमेंशन ये ऐसे है डाइमेंशंस सोन इन द फिगर द वेव स्पीड इज 1 सेंटीमीटर पर सेकंड पॉइंट ओ इज एट फ्री एंड ये है दैट इज फ्री एंड ठीक है द वेव स्पीड इज फ्री एंड द सेप ऑफ द वेव एट इक्वल टू थ्री सेकेंड आपको बोला थ्री सेकंड अब आप देखो थ्री सेकंड का मतलब है कि ये जो टॉप वाला पॉइंट है ये वाला जो टॉप वाला पॉइंट है इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर डायग्राम बना रहा हूं आपको वेव याद रखनी है पर पॉइंट ये है कि वन सेकेंड के बाद आपको ये वेव ऐसे होनी थी ये है सपोज टू बी ठीक है अब बेसिकली क्या है कि ये जो वाला पोर्शन जो है ये वाला पोर्शन होगा रिफ्लेक्ट क्योंकि वो वे वहीं तक है ये आपको दे रखा है वन या लेट ए तो रिफ्लेक्ट होकर ये वेव इसके ऊपर सुपर इंपोज होगी मतलब एज अ फ्री एंड होगा तो रिफ्लेक्शन होगा तो वापस उसी टाइप से होगा तो ये इसका रिफ्लेक्शन है और ये इसका जो ओरिजिनल था ये इसका ओरिजिनल है ठीक है ये रिफ्लेक्टेड है ये ओरिजिनल है अब इन दोनों का सुपर उम्पोज होगा तो देखो ये यदि वन ये ए है तो ये भी ए है तो इन दोनों का जो सुपर उम्पोज होगा वो ऐसे हो जाएगा दैट इज टू ए ठीक है एम्पलीट्यूड है वो डेबल उससे क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा तो ये इसका आपका आंसर जो आएगा इसका आंसर आ जाएगा फोर्थ वाला टू सेंटीमीटर ठीक है बात समझ आई ना ये तो पोर्शन वो का वो भी रहेगा और ये वाला जो पोर्शन है जो मैंने उसमें डार्क करके समझाया है, जैसे ये वाला ये वाला जो पोर्शन है ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा और इसके साथ ओके? नेक्स्ट द फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी ऑफ सोनोमीटर वायर ऑफ लेंथ एल इज एप नॉट एक बार मैं डेटा लिख लेता हूं यहां पर एप नॉट दैट इज वी डिवाइड बाई टू एल ब्रिज इज नाउ इंट्रोड्यूस एज डिस्टेंस डेल्टा एल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द वायर अब सुनो अपने पास लेट ये वायर है ये इसका मिड पॉइंट है लेकिन अपने ये यहां पर लगाया है ठीक है तो ये अपने पास दे रखा है डेल्टा एल तो बेसिकली देखा जाए तो एक की लेंथ जो हो गई ये जो लेंथ है वो तो हो गई एल बाई टू माइनस डेल्टा एल तो इसको मैं लिख लेता हूं एल वन और ये लेंथ हो गई यहां तक यहां तक तो ये लेंथ अपने पास एल टू जो हो गई वो हो गई एल बाई टू प्लस डेल्टा एल द नंबर ऑफ द बिट्स इफ द बोथ साइड ऑफ द ब्रिज आर सेट इन टू द वाइब्रेशन इन दियर फंडामेंटल वर्ड दोनों को फंडामेंटल में तो देखो फंडामेंटल एफ जो वन आएगा वो आएगा v डिवाइड बाई टू एल टू माइनस डेल्टा एल ऐसे अपने पास एफ टू आ जाएगा दैट इज वी टू एल टू प्लस डेल्टा एल क्योंकि लेंथ क्या हो गई चेंज हो गई अब आपको बोला है कि इसमें बीट क्या सुनाई देगी तो कुछ नहीं करना आपको f1 वन माइनस एफ बीट फ्रिक्वेंसी दट इज f1 वन माइनस एफ जो कॉमन चीज है वो तो पहली बार ले लो तो v डिवाइड बाई टू तो दोनों का कॉमन आ जाएगा यह आ जाएगा वन एल बाई टू माइनस डेल्टा एल माइनस वन एल बाई टू प्लस डेल्टा एल ठीक है अब आप इसको सोल्व कर लो सोल्व <laughs> करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा ये वाला ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है ग्रेविटेशन का ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इज रिलीज फ्रॉम द पॉइंट पी ए डिस्टेंस थ्री आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मून विथ हैज रेडियस आर एंड मास एम विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन गिव द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द हिटिंग ऑन द ग्राउंड ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है यहाँ से इसको रिलीज किया है तो डेफिनेटली यहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी काइनेटिक एनर्जी जीरो तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है इनिशियल एनर्जी इज गल टू फाइनल एनर्जी ठीक है इनिशियल एनर्जी मैं लिख लेता हूं माइनस जी एम एम डिवाइड बाई थ्री आर ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कितनी इनिशियली जीरो इक्वल टू फाइनल में कितना आएगा माइनस जी एम एम डिवाइड आर ये आ गया और एनर्जी आएगी हाफ़ का स्क्वायर ठीक है तो अब आप जब इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा ये वाला सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन ए सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ विद ए कानीटिक एनर्जी ई देखो सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है विद कानिक एनर्जी ई तो आपको पता है कि एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है टोटल एनर्जी का फॉर्मूला वो होता है वो होता है u बाई टू इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी तो बेसिकली ये जो एनर्जी दी है वो दी है ई e, बिकॉज दे रेगाइट रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ विद द काइनेटिक एनर्जी ई तो मैं एनर्जी ऑफ द सिस्टम की सेटेलाइट को लिखू तो वो क्या आएगा माइनस ऑफ ई ठीक है ना गिवन है एनर्जी कितनी है सेटेलाइट की ई e. ये टोटल एनर्जी है ये काइनेटिक एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी को इन्होंने ई लिखा है तो मैं भी ई लिख रहा हूं द मिनिमम एडिशनल ऑफ काइनेटिक एनर्जी नीडेड टू मेक फ्रॉम इट्स ऑर्बिट किसी को भी स्केप करना होता है तो टोटल एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन जीरो तो अपन को इसको एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी लेट एक्स्ट्रा एनर्जी मैं दे रहा हूं ई दैट इज योर एक्स्ट्रा एनर्जी जो आप दे रहे हो इसको सेटेलाइट को बार मूव कराने के लिए स्केप कराने के लिए तो एनर्जी प्रेजेंट की एनर्जी कितनी है माइनस ई एनर्जी गिवन माइनस ई शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो पास आ गया एनर्जी गिवन शुड बी ग्रेटर देन ई मिनिमम पूछा है तो आंसर ई ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट स्पेरिकल सिमेट्रिक ग्रेविटेशन फील्ड ऑफ सिस्टम ऑफ द मास डेंसिटी ये आपको ऐसा दे रखा है यदि आपको, आपको इस सिंपल से आपको डेंसिटी से पता चल गया होगा इट लाइक अ सॉलिड स्पेयर क्योंकि आपको पता है सॉलिड स्पेयर के अंदर डेंसिटी रहती है कॉन्स्टेंट एंड आउटसाइड जो डेंसिटी रहती है वो होती नहीं है तो जैसे अपने पास ये सॉलिड ले लिया मैंने तो इस पूरे सॉलिड की जो डेंसिटी है वो सेम रहती है ए टेस्ट मास कैन अंडर गो सर्कुलर मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द पार्टिकल इट्स स्पीड वी एज द फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस आर जीरो से फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सिस्टम रिप्रेजेंट बाय कि कौन सी वेलोसिटी इसको रिप्रेजेंट करेगा देखो क्या बोला है ए टेस्ट मास कैन अंडर गो सर्कुलर मोशन तो बेसिकली सर्कुलर मोशन कराना है अब मैं इसको नेक्स्ट चैप्टर पर लेकर चलता हूं देखो जब सॉलिड होता है तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस जी एम आर डिवाइड बाई आर क्यूब कब होता है जब ये आर का व्यू आर से ये और उसके बाद हो जाता है माइनस जी एम आर इक्वल टू जीरो दे रखा है ठीक है ये कब होता है जब डेंसिटी कांस्टेंट होती है तब सॉलिड स्फीयर के अंदर डेंसिटी कांस्टेंट होती है तो जब डेंसिटी कांस्टेंट होती, तो होती है तो इस टाइप का अपने पास फॉर्मूला आता है अब इस फोर्स के कारण इसको मूव कराना है तो सपोज पहले इनसाइड वाले पोर्शन के अंदर यदि इनसाइड मूव कराना है इन तो साइड में फोर्स कौन सा लगेगा फोर्स लगेगा एम इन टू कौन सा वाला ई e आएगा ये वाला ठीक है इज इक्वल टू क्या आएगा एम वी स्क्वाइड बाई आर ठीक है मिटा देता हूं नो एम ई वो वाला यूज करूंगा माइनस इंडिकेट कर रहा है कि अंदर की ओर रहेगा आर आर क्यूब इज टू एम वी स्क्वायर आर तो यहां से आपको बात आ गया वी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर ये कब आया है व्हेन आर इज लेस देन आर ठीक है इसका मतलब ग्राफ जो आएगा पहले तो आएगा ऐसे ठीक है अब बार के लिए तो बार के लिए मैं ये वाला यूज करूंगा तो अब मैं सीधा लिख रहा हूं जी एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू गी स्क्वायर आर ठीक है इस r से ये कर गया तो v इज √ ऑफ r ठीक है तो ये स्टेप्स आएगा तो इसका आंसर अब देख लेते हैं देखो ग्राफ आएगा इस टाइप का तो बाकी मैं सब मिटा रहा हूं तो ऐसा देखें तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये भी है डायरेक्टली ये भी है डायरेक्टली ये दोनों वैसे कैंसिल आउट हो गए और उसके बाद अपन को ग्राफ अभी मैंने कैसे ड्रा किया था ऐसा तो उसके वाला ये वाला सो आंसर इज थर्ड नेक्स्ट स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के टू के फोर के एट के आर कनेक्ट इन सीरीज आपको स्प्रिंग को सीरीज में कनेक्ट किया है तो सीरीज में क्या तो इसका के इक्विवेलेंट आपको निकलना आता है वन अपॉन के इज्क्ल टू वन अपॉन ये के इक्विवेलेंट वन अपॉन के वन अपॉन टू के प्लस वन अपॉन फोर के प्लस वन अपॉन एट के एंड सो ऑन ठीक है ये इनफाइनाइट सीरीज होगी इनफाइनाइट सीरीज क्या होती है ए ए आर ए आर स्क्वायर ये जीपी होती है तो इनका यदि मैं सम करूं तो सम आता है दैट इज ए वन माइनस आर तो इसके अंदर ए तो हो गया ये के इक्वलेंट के लिए ठीक है ये तो हो गया और आर का वैल्यू हो गया वन बाई टू ठीक है अब आप इसको सॉल्व कर लेना आंसर आ जाएगा इसका फर्स्ट ठीक है के आएगा के बाई टू नेक्स्ट टू ब्लॉक कनेक्टेड बाय द स्प्रिंग रेस्ट ऑन द स्मूथ ऑरिजिनल प्लेन एज सोन इन द फिगर द कांस्टेंट फोर्स एफ स्टार्ट एक्टिंग ऑन द ब्लॉक एम टू एज सोन इन द फिगर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट देखो ये बहुत सिंपल सही है इस सिस्टम पर फोर्स लग रहा है कांस्टेंट है तो पहली बात तो ये एक्सेलरेशन इसका लगाता रहेगा एस एम दैट इज एप कि एक है अच्छा दूसरी बात है कि फोर्स लग रहा है एक बार एक्सिलेटर आ जाएगा तो इसकी जो स्प्रिंग की लेंथ है तो वो एक लिमिट से ज्यादा इंक्रीज नहीं होगी ठीक है तो बेसिकली इसके अंदर सेकंड ऑप्शन ब्लॉक स्टार्ट परफॉर्मिंग एस एच एम सिस्टम विच विचू रेक्टेगरी विच कॉन्स्टेंट एक्सलेन ये वैसी राइट हो गया देखो एक्सेलरेशन मैंने बोल दिया है और ऐसा कोई भी सिस्टम होता है जब एक डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होता है तो ये लगातार ओसीलेट तो करता रहता है अबाउट सेंट्रो मास सेंट्रो मास में जाकर अपन करना चाहे कर सकते हैं इसका ए सी में यह आए तो अब लगाते हैं शुडो फोर्स तो इधर आएगा एम वन एफ डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू और इधर भी नेट फोर्स आएगा सेंटर ऑफ मास पर मैंने सुडो फोर्स लगाया है इसका मतलब सिस्टम विल बी इन रेस्ट सिस्टम है वो रेस्ट में आ जाएगा तो डेफिनेटली इधर भी फोर्स कितना लगेगा नेट फोर्स की बात कर रहा हूं वो आएगा m1 f m1 m2 तो एक लिमिट से ज्यादा ये एक्सटेंड नहीं हो पाएगा ये लगातार अपने अबाउट ऑसिलेट करता रहेगा ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट ये मास एम एड्रेस्ट टू द ओरिजिनल स्प्रिंग एग्जीक्यूटर एस एच एम एक ऐसा है ये एम ठीक है ये स्प्रिंग कांस्टेंट इसका के तो इसमें जो ओमेगा आएगा ओमेगा के बारे में आपको बताइए ओमेगा वे विल बी के बाई एम ये ओमेगा क्यूज तो पड़ी मैं भी बताता हूँ ये इसका के बाई एम है एम्प्ली वन है देखो इसके बारे में, और बारे में बात करते हैं position, अब बात आती है। जब ये मेन पोजिशन पर रहेगा तो आपको मैक्सिमम रहेगी मैक्सिमम वेलोसिटी रहेगी ए इंटू ओमेगा तो ए कितना है ए वन ओमेगा कितना है के डिवाइड बाई एम ये अपने पास वेलोसिटी आ गई जब वो मेन पोजिशन से जा रहा था स्मॉलर मास एम इज प्लेस ओवर इट अब क्या किया? इसके ऊपर एक दूसरा मार्स रख दिया तो मैं में जा रहा हूं बेसिकली जब ये यहां पर था मेन पोजिशन पर एम तो इसके ऊपर एक और एम रख दिया तो एक तो इसका ओमेगा चेंज हो गया ओमेगा क्या आएगा वो आएगा के एम प्लस एम और आपको ये पता है कि जैसे मैं कहूँगा इसकी वेलोसिडी चेंज हो जाएगी लेट वेलोसिडीज वी वन वेलोसिडी क्यों चेंज होगी इस ब्लॉक को ऊपर रखा है तो ब्लॉक उसका मोशन का ऑपोज करेगा तो इसके फाइनल वेलोसिटी क्या आएगी फाइनल वेलोसिटी के लिए अपन यूज करेंगे मोमेंटम कंजर्वेशन क्या यूज करेंगे मोमेंटम कंजर्वेशन पी इज इक्वल टू पी फाइनल तो पहले मोमेंटम कितना था एम इंटू वी दैट इज ए वन के एम इज इक्वल टू फाइनल फाइनल अपन को नया एम्पलीट्यूड है एक मिनट मास कितना है एम प्लस एम ये दोनों का मिलाकर मास वेलोसिटी नया वाला एम्पलीट्यूड और नया वाला के दैट इज एम प्लस एम ओके ये वो फाइंड करना है ये है ए टू ये ए वन आपको ए वन डिवाइड बाय ए टू पूछा है ठीक है सॉल्व करना आंसर आ जाएगा इसका एक मिनट आंसर आ जाएगा इसका फर्स्ट ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यूनियो डायमेंशन और एस को कॉम्बिनेशन किया है ए पार्टिकल ऑफ इज ऑसिलेशन अबाउट द ऑरिजन ऑन द एक्स एक्सिस पोटेंशियल एनर्जी गिवन सम थिंग दैट इज के एक्स क्यूब वेज पॉन्सटे कॉन्स्टेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसोलेशन इज ए इसका जो एम्पलूट्यूड है वो ए है यदि मैं बोलो अमली तो डो है वो है देन टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अब आप देखो इसको मैं यदि एफ लिखता हूं तो वो आएगा माइनस डी यू बाई डी एक्स तो ये आ जाएगा मेरे पास माइनस थ्री के एक्स स्क्वायर यहां से मेरे पास जो ए आएगा वो आएगा थ्री के एक्स इन एक्स डिवाइड बाई मास ये मैंने ऐसा क्यों बार लिया कि अपन को बताया कि अपने पास जो तो एक्सेलरेशन होता है वो होता है ओमेगा एक्स। ठीक है? तो यदि मैं यहां से कंपैरिजन करूं तो मेरे पास आ गया ओमेगा समथिंग थ्री के एक्स डिवाइड बाई एम क्योंकि बेसिक तो अपना फॉर्मूला वही है तो यहां से मेरे पास आ गया कि ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ए जो एक्स है ना एक्स का डिस्टेंस ही है और उन्होंने एम्पलीट्यूड डिस्टेंस ही होता है तो ओमेगा इज ये नाउ टी इज वन अपॉन ओमेगा सो टी इज वन अपॉन रूट ए। तो इसका आंसर फर्स्ट ये डायमेंशन वैसे होना है ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट एक्सेलरेशन ए एंड टाइम पीरियड टी ऑफ द बॉडी इन द एस एम गिवन बाय ये आपको एक्सेलरेशन दे रखा है एक्सेलरेशन तो का यदि मैं इक्वेशन लिखू यहां से तो आपको ऐसे इक्वेशन लिखेगी ये है माइनस कॉस माइनस समथिंग ए कॉस ओमेगा टी ठीक है ये आपके पास आ गया ऐसा है एक्सेलरेशन देन करस्पॉन्डिंग अच्छा यहां से मेरे पास एक्स इजीली आ जाएगा एक्स का वैल्यू क्या होता है माइनस सॉरी अपने पास जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स ठीक है ये अपना बेसिक फॉर्मूला है एक्स तो इन दोनों को कंपैरिजन करो तो मेरे पास आ गया ओमेगा स्क्वायर एक्स ए समथिंग ए कॉस ओमेगा टी आगे बढ़ते हैं यहां से मेरे पास एक्स आ गया समथिंग ए नॉट कॉस ओमेगा टी मुझे वेलोसिटी चाहिए दैट इज डी एक्स बाई डी टी तो वो आ गया ए नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी नाउ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है काइनेटिक एनर्जी रहेगा हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी ये तो अब मैं उसको सब यहां पर लिख रहा हूं काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल आएगा वो आएगा इन सबका स्कोर करेंगे तो ये आ जाएगा साइन जो काइनेटिक का एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी तो ये काइनेटिक एनर्जी जो है वो साइन के अकॉर्डिंग चेंज होनी चाहिए ठीक है तो अब वापस पीछे चलते हैं क्या है आपने मैं एक बार लिख लेता हूँ काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी बाकी अपन सब मिटा देते हैं अब आप देखो साइन के अकॉर्डिंग कौन सा है देखो ये भी साइन के अकॉर्डिंग है ये तो पॉसिबल नहीं है ये पॉसिबल नहीं है ये दोनों साइन के अकॉर्डिंग है लेकिन साइन एक टाइम पीरियड के अंदर ये दो बार चेंज होगा टी बाई टू पर भी जीरो होगा हो तो ये वाला फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर है हा नेक्स्ट क्वेश्चन थ्री अरेंजमेंट ऑफ द स्प्रिंग मास सिस्टम आर इन द फिगर ए एंड बी थ्री नहीं दो ही कोई दिक्कत नहीं आंसर को चेंज नहीं है इफ टी वन एंड टी टू रिप्रेजेंट द पीरियड ऑफ द ऑशिलेशन दिन इज तो देखो इसको समझने के लिए पहले मैं दोनों अलग से डायग्राम बना लेता हूँ क्योंकि अपन को नेट नेक्स्ट के अंदर जाना है ये तो है ऐसे और दूसरे के यहां पर स्प्रिंग लगी हुई है इसका टाइम पीरियड है टी वन और इसका है टी टू अब दोनों के अंदर रिलेशन फाइंड करना है ठीक है तो चलते नेक्स्ट पेज देखो इसका टाइम पीरियड तो बहुत इजी आ जाएगा, टी इस, टू पाई एम के। इस वाले को मैं पूरा सॉल्व करके बता रहा हूं कैसे फाइंड करना होता है थोड़ा ध्यान से समझे वैसे तो ये प्रैक्टिस आपने कर ली होगी पहले से देखो लेट अपन एज्यूम कर लेते हैं कि इसके अंदर एक्सटेंशन एक्स नॉट है यहां से मतलब स्प्रिंग में अंदर एक्सटेंशन है और ये में है तो ये टी है ये भी टी है और अपन को बताया टी का वैल्यू कितना रहता है एम जी के बराबर तो इसका डायग्राम बनाओ तो अपने ऊपर आएगा के एक्स नॉट इधर भी एम जी इधर भी एम जी सो आई गॉट के एक्स नॉट इज टू टू एम जी दैट इज इक्वेशन नंबर वन अब अपन क्या करते हैं कि मुझे पता करना है कि कितना ऑसिलेट होगा तो उसके लिए थोड़ा सा मैं क्या करता हूं इसको इस ब्लॉक को मैं नीचे लेकर आता हूं एक्स ये एक्स नीचे आएगा तो इसको नीचे आना पड़ेगा एक्स बाई टू ये आपको पता ही है एक्स बाई टू क्यों ये एक्स बाई टू और ये एक्स बाई टू दोनों मिलकर इसको आएगा एक्स तो बेसिकली मेरे इस पुली के ऊपर ऊपर की ओर जो तो फोर्स आ गया एक्स नॉट प्लस एक्स बाई टू इधर आ गया टी इधर भी आ गया टी ठीक है और टी के कारण इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स ऊपर की और टी नीचे एम जी a ए तो अपने पास इक्वेशन आ गई टी माइनस एम जी इज टू एम ए अच्छा यहां से मैं देखू तो टू टी इज टू आ गया के एक्स नॉट प्लस एक्स बाई टू तो यहां से मेरे पास टी आ गया के एक्स नॉट बाई टू प्लस के एक्स बाई फोर इस टी को मैं यहां रख लेता हूं तो अब ध्यान से देखना के एक्स नॉट by 2 plus के एक्स बाई फोर माइनस एम जी इज गल टू नोट से ये गया ठीक है अपने पास a आ गया k by 4 m into x ये आ गया आपके पास नया वाला ओमेगा स्क्वायर ठीक है तो सीधी सी बात है t2 कितना आएगा t2 आ जाएगा 2 पाई फोर एम बाई के ठीक है तो एक क्वेश्चन हो गया हाँ क्वेश्चन नंबर इट इज नॉन सैटेलाइट आर लॉन्च अराउंड द अर्थ इन द सर्कुलर ऑर्बिट्स बट दे कैन ऑल्सो बी लॉन्च इन द इलेप्टल ऑर्बिट्स इन सच ऑर्बिट नियरेस्ट पोजिशन ऑफ द सेटलाइट फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड कॉल्डी देखो मैं डायग्राम बना लेता हूँ नीचे फिर अपन डिस्कस करेंगे ये जो नियरेस्ट डिस्टेंस होता है इसको उन्होंने बोला है ये ठीक है और इसको उन्होंने बोला है ठीक है अब उन्होंने चार ऑप्शन दिए हैं इफ द सेटेलाइट इज स्केप फ्रॉम द अर्थ कंप्लीटली एंड इफ द सेटलाइट रॉकेट फायर इट फायरजी इट विल रिक्वायर मोर का एनर्जी का एनर्जी एक बात सुन लो जब भी सेटेलाइट मूव करता है तो उसकी एनर्जी होती है वो कॉन्स्टेंट होती है चाहे कौन सा पॉइंट हो चाहे वो यहाँ पर हो चाहे वो यहाँ पर हो तो एनर्जी इक्वल है अब इसको यदि अर्थ से बाहर भेजना है तो इसके बराबर ही आपको एनर्जी देनी पड़ेगी सो तो दोनों जगह एनर्जी का वैल्यू जो है इक्वल रहेगा इसलिए ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही रॉन्ग हो गए अब रहा थर्ड एंड फोर्थ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द ऑर्बिट देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर इस पॉइंट का और इस पॉइंट का दोनों का इक्वल होता है रीजन बहुत सिंपल सही है बिकॉज पाथ है और पाथ में यहां का यहां का रेडियस कर्वेचर इक्वल होता है यहां का और यहां का रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल होता है ठीक है डेफिनेटली यहां का रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां से ज्यादा होता है लेकिन कंपेरिजन यहां का किया है तो इन दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल रहेगा तो डेफिनेटली इसका ऑप्शन कौन सा चला जाएगा

थर्ड with maximum amplitude a ए amplitude at a distance डिस्टेंस 7th from फ्रॉम close क्लोज एंड ऑफ ये किसमें कर रहा है ये थर्ड ओवरटोन थर्ड ओवरटोन है तो ध्यान से ये अपने पास हो गया फंडामेंटल उसके बाद ये फर्स्ट ओवरटोन सेकेंड डन और ये थर्ड ओवर डन ठीक है मतलब देखो ऐसा होता है ये फंडामेंटल का है उसके बाद जो होता है वो ये फर्स्ट ओवर ओवरटोन सेकेंड डन और ये थर्ड ओवर डन तो ये इसका डायग्राम बन गया वाला ठीक है तो देखो ये कितना हो गया लूप कितने बन गए वन हाफ कितने गए टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन लेमडा बाई फोर इज गल टू एल ठीक है ये आपको एल आ गया तो अपने पास लेमडा बाई फोर आ गया एल बाई सेवन ठीक है अब इसने बोला डिस्टेंस वन सेवन ऑफ तो द फ्रॉम द क्लोज वन सेवन यहां से तो मतलब ये पॉइंट ये आ गया तो यह क्या है एंडीनोड और एंडीनोड कांट सोर्स ऑफ रेडिएशन सेपरेशन बास्टेंस इतना वेयर लैमरा इज द वेव लेंथ ऑफ द रेडिएशन एस वन एस वन लीड टू एस टू इन द फेज बाई पाई बाई टू इसका जो फेज है एस टू के रेस्पेक्ट में पाई बाई टू आगे है ये इंपॉर्टेंट याद रखनी है जो एस वन है एस वन और एस टू दे रखा है यह है अपने पास एस वन ये एस टू और इसका फेज इट इज पाए बाई टूड ऑफ एस टू ठीक है तो इनिशियल फेज डिफरेंस है एक अच्छा क्वेश्चन है ये ये अपने पॉइंट है ए रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ सोर्स एस वन एंड एस टू एस वन और एस टू का रेशियो दे रखा वन टू का, का तो रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट वन एंड बी ये अपने पास ए है और पॉइंट यहां पर बी है तो ए पर और बी पर इंटेंसिटी का रेशियो पूछा है देखो ये जो बीच की डिस्टेंस दे रखी है पाथ डिफरेंस जो दे रखा है वो है हंड्रेड पॉइंट सो so, इसके करस्पॉन्डिंग जो फेज डिफरेंस है फेज डिफरेंस जो आएगा वो आएगा टू पाई बाई लेमडा इसमें पाथ डिफरेंस में जो है वो लेमडा वाले के बाद क्योंकि लेमडा के बाद फेज डिफरेंस हमेशा वेरी करता है वापस वो भी रिपीट होता है फेज डिफरेंस लेमडा के बाद वो भी रिपीट हो रहा है तो वन लेमडा टू लेमडा थ्री लेमडा हंड्रेड लेमडा तो मैं इसको लिख सकता हूं हंड्रेड लेमडा प्लस लेमडा बाई फोर तो बेसिकली इसका कोई सेंस रहता नहीं है क्योंकि वो तो हमेशा रिपीट होना है तो इनटू टू लेमडा बाई फोर तो ये आ जाएगा पाई बाई टू पॉइंट ये है कि बिकॉज ऑफ पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस विल बी पाई बाई टू ठीक है अब बात करते हैं ए की व्हाट विल बी अबाउट ए देखो ए पर ज्यादा कौन चल रहा है एस टू क्योंकि एस को यहां से आना पड़ रहा है तो जब ए पर आएगा तो ए पर एस so, टू का वो फेज है वो पाए बाई टू आगे रहेगा बिकॉज ऑफ पाथ डिफरेंस पाथ डिफरेंस कितना है पाई बाई टू सो so, इसका फेज पाई बाई टू आगे रहेगा जबकि गिवन था उसके अकॉर्डिंग फेज फेज डिफरेंस इसका ज्यादा था तो फेज एट विल बी जीरो क्योंकि ये है पाई बाई टू फेज आगे बिकॉज ऑफ गिवन इनिशियल कंडीशन बट इट इज पाई बाई टू बिहाइंड बिकॉज ऑफ पाथ डिफरेंस क्योंकि ये इसको कम चलना पड़ रहा है इसको ज्यादा चलना पड़ रहा है तो ये आ गया फेज डिफरेंस जीरो फेज डिफरेंस जीरो मतलब इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम तो एट ए इट विल बी आई मैक्सिमम अब बात करते हैं बी की तो देखो बी में इसको यहां से यहां आना पड़ रहा है तो एक तो इसका पाथ डिफरेंस के कारण जो पाथ आ रहा है फेज डिफरेंस वो आ रहा है पाई बाई टू वो और पाई बाई टू पहले से आ गया था तो पाई बाई टू और एड हो गया ये कितना हो गया पाई तो फेज डिफरेंस हो गया पाई पाई पर बी पर क्या बनता है मिनिमम So is I minimum. Now, आपको फाइंड करना है आई मैक्सिमम द सोर्स इज मूविंग राइट वेव देखो ये तो बहुत right सिंपल सा ही है यदि राइट की तरफ जा रहा है जैसे एक इमिट किया और पार्टिकल राइट की तरफ मूव हुआ जैसे यहां आ गया तो अब वे फ्रंट मूव करेगा वो ऐसा करेगा जनरेट करेगा बोले ये वाला डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा ये वाला डिस्टेंस कम हो जाएगा आंसर इज सेकंड नेक्स्ट डिस्क को रेडियस आर इज पाइवेटेड एट द इट्स रिम द स्वेप आपको एक डिस्क दे रखी है ये यहां पर कर रखी है तो इसको यदि मैं ऑसिलेट कराना है तो इसका सेंट्रो मास यहां से यहां शिफ्ट करना पड़ेगा तो टॉर्क अबाउट ए इज इक्वल टू आई ए अबाउट अल्फा ये आएगा एम जी साइन थीटा आर इज टू आई एट इज एम आर स्क्वायर बाय टू प्लस एम आर स्क्वायर अल्फा ठीक है तो अब इसको सॉल्व कर लेना तो ये अपने हो गया क्वेश्चन नंबर नाइनटीन ठीक है इसका आंसर आ जाएगा फोर्थ नेक्स्ट ए पार्टिकल एट द एंड ऑफ द स्प्रिंग एग्जीक्यूटेड सिंपल आर्मिंग मोशन विद द पेरियड टी वन वाइल द करस्पॉन्डिंग पेरियड फॉर ऑफ द स्प्रिंग इज देखो आपको पता है टी वन का फॉर्मूला होता है टू पाई एम डिवाइड बाई के वन इसको अपन स्क्वायर कर लेते हैं पहले से टी वन स्क्वायर इज गुल्लू फोर पाई का स्क्वायर एम डिवाइड बाई के वन ऐसे अपने पास आ जाएगा टी टू का स्क्वायर दैट इज फोर पाई स्क्वायर एम बाई के टू इफ़ द अपडलेसन विथ टू स्प्रिंग सीरीज अब सीरीज में आप को बताया क्या आएगा। वन अपॉन के वन प्लस वन अपॉन के टू इज टू वन अपॉन के तो इनको ऐड कर दो यू विल गेट योर आंसर ठीक है ये वाला इसका आंसर कुछ नहीं करना है इसको ऐड कर दो ओके सो so ये अपने हो गए, इसके अब अपन आगे बढ़ते हैं सेक्शन डी नूमरिकल पोर्शन

इन टू कॉपर वायर पी एंड क्यू टेंशन इन पीज टेंशन भी आपको अलग अलग दे रखी है देखो पहली बात म्यू है इस म्यू का आपको फॉर्मूला पता होगा दैट इज रो इन टू पाई आर का स्क्वायर तो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ वन अपॉन टू एल वन दैट इज टी वन डिवाइड बाई कॉपर है तो ये तो सेम आएगा फिर मैं लिख लेता हूँ रो पाई आर वन का स्क्वायर इजक्ल टू वन अपॉन टू एल टू टी टू रो पाई आर टू का स्क्वायर आपको टी वन और ये टी टू गिवन है सोल्व कर लेना यू योर आंसर दैट इज फोर नेक्स्ट व्हेन द क्लोज ऑर्गन पाइप इज प्रोड्यूसिंग इन थर्टींथ हार्मोनिक नंबर ऑफ नोड इन पाइप देखो ये बहुत सिंपल सा होता है मैं आपको दो एग्जांपल करके बता हूँ ये फंडामेंटल मोड है ठीक है तो इसमें नोड कितना हो गया One. अब ये आया इसके थर्ड हार्मोनिक मतलब फर्स्ट ओवरटोन फर्स्ट ओवरटोन में ये ये आएगा तो देखो है थर्ड हार्मोनिक इसमें नोड कितने हो गए नोड हो गए टू क्योंकि एक ये वाला और एक ये वाला जो फिफ्थ आएगा उसमें कितने हो जाएंगे तीन बिकॉज फिफ्थ में क्या होगा इसका ये फिफ्थ तो देखो कौन कौन सा आता है फर्स्ट थ्री क्योंकि और हार्मोनिक जनरेट करता है थर्टीन तो इसके अंदर होता है वन इसके अंदर दो तीन चार पांच छ और छह ठीक है तो आंसर इसका आ गया सेवन नेक्स्ट चलते हैं A metric approaching the planet of mass m in the straight line passing through the center of the planet. Collide with an auto automatic space station orbiting the planet in the circular trajectory of radius R. The mass of the station is 10 times as large as that of mass of the metroid. As a result, the collision the metroid stick to the station, which goes over the new orbit with the minimum distance r by 2 from the planet. वेलोसिटी विद द विच मेट्रोइ जस्ट बिफोर द कॉलिजन इज़ देखो ये क्वेश्चन की आप ध्यान से पढ़ो एक मैं ये एक बना लेता हूं ये वाला प्लैनेट है ये जिसका मास दे है आपको एम ठीक है एक यहाँ पर स्टेशन है ऐसा घूम रहा है इसके सराउंडिंग में ठीक है यहां पर एक लेट अपन मान मान लेते हैं एम स्पेस स्टेशन ऑर्बिटिंग द प्लैनेट इन द सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री ऑफ रेडियस आर इसकी रेडियस आपको दे रखी है आर देखो वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी का वो फॉर्मूला पता ही है दैट इज जी एम आर ये ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला है मतलब ये इससे भी इसमें रोटेट कर रहा है द मास ऑफ द स्टेशन इज टेन टाइम्स एज लार्ज दा मास ऑफ द मेट्रोइड देखो बेसिकली क्या है कि इधर एक मेट्रोड आ रहा है लेट इसका मास मैं एम मान लेता हूं तो इसका है टेन एम ठीक है एज ए रिजल्ट द कॉलिजन द मेट्रो स्ट्रिक टू द स्टेशन विच गोज ओवर द न्यू ऑर्बिट मिनिमम डिस्टेंस आर्बे टू और अब ये जब कॉलिजन होगा उसके बाद जब रोटेट करेगा तो इससे जो मिनिमम डिस्टेंस है वो है आर बाई टू ध्यान ना आर इसकी रेडियस नहीं है तो आपको बोला है कि कॉलिजन से पहले इसकी वेलोसिटी कितनी थी तो अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पर देखो पहली बात इसमें दो तीन कॉन्सेप्ट लगेंगे सबसे पहले एट टाइम ऑफ कॉलिजन अपन लगा सकते हैं बिकॉज इसमें क्या होगा कॉलिजन के बाद की बात बताऊं कॉलिजन के बाद ये टोटल मास हो जाएगा इलेवन एम इसके कॉलिजन के बाद एक वेलोसिटी आएगी ऐसे वी वन और एक इधर की वेलोसिटी नहीं हो जाएगी दैट इज वी टू ये इसके पास दो वेलोसिटी आएगी ये जस्ट आफ्टर कॉलिजन जस्ट आफ्टर कॉलिजन आपको मोमेंटम कंजर्वेशन और एनर्जी मोमेंटम कंजर्वेशन दोनों लगाने हैं मोमेंटम कंजर्वेशन आप हमेशा लगा सकते हो जब ग्रेविटेशन फॉल्ट हो तो देखो पहले कितना है मोमेंटम ऑफ लगा रहा हूँ इक्वेशन लिखना है फिर आपको सॉल्व करना है टेन एम वी नॉट ये आपको दे रखा है ठीक है इज गोल टू स्टार्ट के अंदर ये वी नॉट इसकी वेलोसिटी थी इसकी कोई वेलोसिटी नहीं थी तो दैट इज इलेवन एम वी टू तो मेरे पास ये वी टू आ गया बेसिकली दैट इज 10 बाई इलेवन इक्वेशन नंबर वन दूसरा इसमें अपन यूज करेंगे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन तो पहले कितना था टेन एम वी नॉट आर इस गोल टू कॉलिजन के बाद ये हो जाएगा हालांकि उससे रिलेशन लेकिन मैं आपको बता रहा हूं सिर्फ एम एम वी टू जस्ट आर तो बेसिकली वो का वो रिलेशन आ रहा है तो इसको आप स्किप कर सकते हो ठीक है ये आ गया नाउ ये जो है आफ्टर कॉलिजन बहुत इंपॉर्टेंट है जब ये यह यहां से आएगा तो लेट यहां पर वेलोसिटी सिर्फ एक ही रहेगी दैट इज v3 जब यहां पर आएगा तो वेलोसिटी रहेगी v3 थ्री वहां वेलोसिटी इसमें ऑर्बिटल वेलोसिटी ये वाला फॉर्मुला अपन यूज नहीं कर पाएंगे उसका रीजन है क्योंकि सर्कुलर पाथ मूव नहीं कर रहा तो इसकी वेलोसिटी v3 वे रहेगी लेकिन वी कैन फाइंड v3 कैसे इनिशियल मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम कितना है टेन एम वी नॉट इज गोल टू इलेवन एम वी थ्री आर बाई टू तो मेरे पास वी थ्री आ गया ट्वेंटी डिवाइड बाई इलेवन टू जीरो आएगा वी नॉट ये आ गया वी थ्री ठीक है और एक अपन को लगाना है एनर्जी कंजर्वेशन तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाओगे तो अपना भी सारी इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी आफ्टर कॉलिजन आपके पास वेलोसिटी कितनी थी सुनना ध्यान से एनर्जी जो इनिशियल एनर्जी है फाइनल एनर्जी, तो एनर्जी लॉस हो जाती है मैं बोल रहा हूं इस पॉइंट से कॉलिजन हो गया उसके बाद से यहां पर आने का एनर्जी कंजर्वेशन तो इनिशियल एनर्जी देखो ध्यान से सुनना इनिशियल एनर्जी है माइनस जी एम इलेवन एम आर प्लस हाफ इलेवन एम वी वन का स्क्वायर वी टू का स्क्वायर इक्वल टू माइनस जी एम इलेवन एम जब रेडियस हो गई आर बाई टू प्लस हाफ इलेवन एम वी थ्री का स्क्वायर इक्वेशन नंबर तीन अब आपके पास इक्वेशन आ गई वन टू थ्री सॉल्व करो यू विल गेट योर आंसर ठीक है थोड़ा सा कैलकुलेटिव है बेटा बट अब की तैयारी कर रहे हो तो इतना तो कैलकुलेशन चलती है ठीक है नेक्स्ट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द टॉप ऑफ द माउंटेन एट हाइट एच इज जी नॉट एंड द एट द बॉटम ऑफ द माइंड ऑफ द इज जी टू जी वन और जी टू का वैल्यू आपको क्या दे रखा है इक्वल दे रखा है तो आपको बताना है कि वॉट विल बी अब एक बात ध्यान सुना माउंटेन दे रखा है तो माउंटेन का मतलब है कि बहुत ज्यादा ऊपर नहीं है नियर टू अर्थ सरफेस ही है तो मैं लिख सकता हूं बस क्वेश्चन सिर्फ इसलिए अच्छा था बाकी कोई क्वेश्चन में कोई सेंस नहीं है वन माइनस टू एच बाई आर और डेप्थ का होता है जी नॉट वन माइनस डी बाई आर इन दोनों को इक्वल कर दो यू विल गेट आंसर नेक्स्ट ए पर्सन कैरिंग ए विजल रनिंग कंटिन्यूसली टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वेरोसिटी इसकी है एट्टीन किलोमीटर पर आवर दैट इज एटीन इंटू फाइव बाई एट्टीन दैट इज फाइव मीटर पर सेकेंड ठीक है तो देखो इसकी फ्रिक्वेंसी दे रही टू 272 टू तो इसके ऊपर जो इंसिडेंट होगी वो रहेगी स्पीड ऑफ ये थ्री फोर्टी फाइव दे रही है थ्री फोर्टी फाइव सोर्स पास में आ रहा है थ्री फोर्टी फाइव माइनस फाइव इंटू टू टू ये साउंड वापस इसको सुनाई देगी यहां पर रिफ्लेक्ट होने के बाद नाउ ये तो करेगा सोर्स जैसे भी एफ और ये करेगा ऑब्जर्वर जैसे तो अब जो यहां पर फ्रीक्वेंसी इसको सुनाई देगी इसको यदि मैं एफ नॉट मान लेता हूं एक मिनट के लिए तो 345 प्लस 5 क्योंकि ऑब्जर्वर उसके पास जा रहा है 345 फोर्टी फाइव इंटू एफ नॉट एफ नॉट मैंने लिख दिया है नो फ्रीक्वेंसी मतलब एफ वन माइनस टू सेवेंटी टू क्योंकि टू सेवेंटी टू इसकी ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी थी ठीक है तो ये अपना डिस्कशन हो गया कंप्लीट देखो तो इसमें क्या है कैलकुलेशन मैंने की है आप मेरे सामने नहीं हो ऑनलाइन कर रहा हो तो हो सकता है कि कुछ उल्टा सीधा या कभी नुमरी गलत लिख दिया हो तो इसको आप देख लेना लेकिन कॉन्सेप्टचुअली मैंने सारी चीज़ें बता दी है होपफुली आप एन्जॉय कर रहे होंगे सोल्यूशन को और अच्छा करते रहे जय सी